Good morning, students. Today, teach SST standard first chapter 8 my school. Okay, so आगे हम लोग शायद 7 chapter तक complete कर चुके थे and today's जो एक chapter है इसमें हम लोग book reading करेंगे. So let's start. ये रहा आपका chapter का जो ये जो आपका चैप्टर का फर्स्ट पेज है सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हेलो आई एम अप्पू एंड दिस इज माई स्कूल. ये बच्चा बोल रहा है मेरा नाम अप्पू है और मेरा ये मेरा स्कूल है. माई स्कूल इज वेरी बिग. मेरा स्कूल बहुत बड़ा है. आई रेस्पेक्ट विद माई टीचर्स. मैं अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करता हूँ. ओके ये यहाँ पर पेस्ट करना था स्टिकर तो आप लोग पहले पेस्ट कर चुके हैं हम लोग क्योंकि रिविजन कर रहे हैं तो आगे हमने आपको दिखा दिया है. सो आगे लेट्स स्टार्ट. Why do we go to school? हम स्कूल क्यों जाते हैं क्या करते हैं तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे. So here is the list of things for which we go to school daily. हम स्कूल जाते हैं स्कूल में जो कुछ भी सीखते हैं जो वस्तुएं जो भी एक्टिविटी सीखते हैं जो भी हैबिट सीखते हैं सो उनके यहाँ पे कुछ ये पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है. सो स्कूल में क्या करते हैं. सो फर्स्ट टू लर्न डांस एंड म्यूजिक. हम स्कूल में डांस करते हैं और म्यूजिक सीखते हैं डांस और म्यूजिक सीखते हैं. टू लर्न रीड एंड राइट. पढ़ना और लिखना सीखते हैं. टू ड्रॉ एंड पेंट. ड्रॉइंग और पेंट करना सीखते हैं. टू लर्न टू शेयर एंड केयर. शेयर और केयर अपनी वस्तुओं को अपनी चीजों को दूसरे के साथ में कैसे शेयर करना है और कैसे उसकी केयर करनी है. ओके ये भी हम सीखते हैं. टू लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स. हम अच्छी आदतें और अच्छे आचरण सीखते हैं. टू प्ले और हम वहाँ खेलना भी सीखते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं. प्लेग्राउंड में जब खेलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे न्यू गेम खेलते हैं सीखते हैं. आगे द स्कूल स्टार्ट विद द मॉर्निंग असेंबली इन विच ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गैदर एट द असेंबली हॉल एंड डू प्रेयर. हमारा स्कूल सुबह प्रेयर के साथ में सुबह असेंबली हॉल में और जहाँ पर सभी बच्चे और सभी टीचर्स एक साथ प्रेयर करते हैं वहाँ से हमारे स्कूल की शुरुआत होती है. एंड स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम एंड वन प्लेग्राउंड. हमारे स्कूल में बहुत से क्लासेस हैं बहुत क्लासरूम बने हुए हैं एंड एक प्लेग्राउंड भी है प्लेग्राउंड जहां पर हम खेलते हैं. अच्छा असेंबली हॉल क्या होता है बच्चे कह रहा है. असेंबली हॉल इज प्ले ए प्लेस वेयर द मॉर्निंग असेंबली एंड स्कूल फंक्शंस आर हेल्ड. असेंबली हॉल वो होता है जहां पर प्रेयर होती है सुबह और या फिर कोई भी फंक्शन वहां पर होता है तो वो क्या होता है असेंबली हॉल. एक हॉल टाइप का बना होता है बड़ा सा जहां सभी लोग एक साथ बैठ सके या कलेक्ट हो सके गैदर. ओके नेक्स्ट है लेट अस हैव ए लुक एट द डिफरेंट प्लेसेस रूम्स इन ए स्कूल बिल्डिंग. हमारी जो स्कूल बिल्डिंग होती है बड़ी सी उसमें बहुत से प्लेसेस होते हैं और कई सारे रूम होते हैं. अब वो कौन कौन से रूम होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं. क्लासरूम. सो क्लासरूम क्या है. वी स्टडी हियर. यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस तरीके की. देखो यहाँ बच्चे बैठे हैं यहाँ बेंचेस और डेस्क हैं ब्लैक बोर्ड है पीछे. इस तरीके का आपका पूरा क्लासरूम का सीन बना हुआ है. नेक्स्ट है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी होता है वी रीड बुक्स हियर. यहाँ पर क्या होता है बहुत सी बुक्स का कलेक्शन होता है और यहाँ पर हम बुक्स बैठते हैं और पढ़ते हैं बुक्स को. आगे स्टाफ रूम. स्टाफ रूम क्या होता है. टीचर्स रेस्ट एंड डू देयर वर्क हियर. टीचर्स यहाँ पर क्या करते हैं वो रेस्ट करते हैं एंड अपना वर्क करते हैं. तो ये स्टाफ रूम है इस तरीके का. आगे ये प्रिंसिपल्स रूम. प्रिंसिपल रूम क्या है. यहाँ पर प्रिंसिपल सिट हियर. यहाँ पर क्या होता है प्रिंसिपल सर बैठते हैं. ओके आगे है म्यूजिक एंड डांस रूम. म्यूजिक और डांस रूम में क्या होता है वी लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग हियर. यहाँ पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं जिनको हम चलाना सीखते हैं बजाना सीखते हैं और नई नई एक्टिविटीज करना सीखते हैं इस तरीके से. नेक्स्ट है कंप्यूटर रूम. कंप्यूटर रूम क्या होता है. टू लर्न एंड ड्रॉ एंड टाइप इन द कंप्यूटर हियर. यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर इस तरीके के रखे हैं. आपके स्कूल में भी है कंप्यूटर रूम है वहां पे बहुत से कंप्यूटर रखे हैं तो हम क्या करते हैं वहां पर कंप्यूटर पे कंप्यूटर को चलाना सीखते हैं उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं. आगे एक्टिविटी रूम. एक्टिविटी रूम इस तरीके का है वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक हियर लाइक क्राफ्ट मेकिंग ड्रॉइंग एंड पेंटिंग. एक्टिविटी रूम है मतलब ऐसा रूम है जहां पर हम ड्रॉइंग कर सकते हैं वहां पर
काफ़ी सारी स्पेस होता है और वहाँ पेंटिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं. ओके सो इतना आगे और चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इतना ही आज के लिए इतना ही है. और होमवर्क में आपको ये जो चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा है इसको रिवाइज करना है. ओके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.